हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, हमारे पास है BM-800। ये एक कंडेंसर माइक है। इसे ज़्यादातर सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे स्टूडियो माइक भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बनाया इस प्री एम्पलीफायर पर टेस्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने कंडेंसर माइक के लिए प्री एम्पलीफायर बनाया था इसके पहले के वीडियो में, तो आप इस तरीके से छोटा माइक भी चला सकते हैं। प्री एम्पलीफायर पर छोटे से छोटा माइक भी चला सकते हैं और बड़े से बड़ा माइक भी चला सकते हैं। तो देखिए ये कैसे वर्क करता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए एकदम आसान तरीका है। तो ये जो है कंडेंसर माइक की जगह पे हम ये कंडेंसर माइक लगाने वाले हैं। तो ये मैं पहले इसे टेस्ट करके बता देता हूँ ये कैसे आवाज़ आती है। इसे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्पीकर भी दिखना चाहिए हमें, ओके। ये दो स्पीकर हैं हमारे, तो इसे हमें बैटरी कनेक्शन देंगे। तो ये हमारा बैटरी कनेक्शन है, और ये हमारा वॉल्यूम है, और ये माइक, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। हेलो 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 1 2 3, हेलो माइक टेस्ट, हेलो हेलो माइक टेस्ट। तो देखिए अच्छे से ये माइक काम कर रहा है, ओके। तो इस तरीके से कंडेंसर माइक के लिए प्री एम्पलीफायर आप बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप चैनल पर विजिट करके आप वहां से देख सकते हैं। वहां पे पूरी जानकारी दी गई है डायग्राम के साथ, ठीक है। तो यहां पे मैं ये जो छोटा माइक है निकाल दूंगा। तो सबसे पहले इसका पावर बंद कर दूंगा। तो ये पावर बंद हो चुका है, तो अभी हम इसे कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है हमें सॉकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जो माइक है, माइक का सॉकेट कुछ इस तरीके से, ये जो सॉकेट लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट सॉकेट कुछ इस तरीके से है। तो इसे मैं अल्टरनेट करके इस तरीके से ये माइक का सॉकेट बनाया है, ठीक है। तो ये हमारे एक ग्राउंड है, एक पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो छोटा माइक है इसे मैं निकाल दूँगा। तो इसकी जगह पे मैं लगाऊँगा ये स्टूडियो माइक। तो देखिए हमने छोटा कंडेंसर माइक इस तरीके से निकाल दिए हैं, तो इसे मैं बाजू में रख दूंगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो माइक है कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, अभी इसमें हम पावर देंगे। तो सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम है कम कर देंगे हम, ठीक है, और ये जो पावर है मैं लगा देता हूँ। तो ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि इस प्री एम्पलीफायर पर आप छोटे से छोटा कंडेंसर माइक और बड़े से बड़ा कंडेंसर माइक आप चला सकते हैं। तो देखिए कैसे चलता है। हेलो हेलो 1 2 3, हेलो माइक टेस्ट, हेलो 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 1 2 3, हेलो माइक टेस्ट, हेलो हेलो माइक टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे आवाज़ की क्लैरिटी कितनी साफ आ रही है। तो इस तरीके से हम कंडेंसर माइक के प्री एम्पलीफायर को इस कंडेंसर माइक लगा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।